चोरी करे कोई और, मार खाए कोई और। आपने कई बार सुना होगा कि जहाँ चोरी करने आए चोर पकड़े जाते हैं, वहाँ लोग उन्हें बुरी तरह पीटते हैं। लेकिन कभी कभी चोरी के संदेह पर भी लोगों द्वारा एक व्यक्ति को बुरी तरह पीटा जाता है। ऐसा ही मारपीट का मामला अब सूरत से सामने आया है। सूरत में एक युवक को कथित तौर पर मोबाइल फोन चोरी करने के आरोप में कुछ लोगों ने पेड़ के साथ बांधकर बुरी तरह पीटा। मारपीट से युवक की हालत खराब होने के कारण इलाज के लिए उसे सिविल अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक सूरत के मान दरवाजा इलाके में रहने वाला आकाश वानखेड़े नाम का एक युवा क्रेन में गाड़ी उठाने का काम करता है। होटल से लौटते वक्त कुछ लोगों ने आकाश पर मोबाइल फोन की चोरी का आरोप लगा दिया, फिर आकाश को पकड़कर एक पेड़ से बांध दिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि भीड़ का फायदा उठाकर लोगों ने आकाश को बड़ी बेरहमी से पीटा। पेड़ से बांधकर पीटने पर भी जब चैन नहीं मिला तब भीड़ ने आकाश को जमीन पर सुलाकर पीटा। देखिए कैसे ये लोग कानून को अपने हाथों में लेकर एक बेगुनाह को सजा दे रहे हैं। इस मारपीट की जानकारी पुलिस को तब मिली जब ये वीडियो वायरल हुआ। सुनिए इस पर सूरत पुलिस ने क्या कहा। सलाबतपुरा पुलिस क्षेत्र में गुनाह दर्ज हुआ है। इसमें जो आप उनकी जो फरियादी है उनको ये चार एक आरोपियों ने मिलकर उसको चोर चोर समझ के बूम पाड़ उसकी करता है, उसको चोर समझ के उसको पकड़ के झाड़ के साथ बांध के उसको लकड़ी और फाइबर के टुकड़ों से मारा हुआ है। वही बाबत में सलाबतपुरा पुलिस क्षेत्र में गुनाह भी रजिस्टर हुआ है। राज्य की तपस सलाबतपुरा पुलिस कर रही है। पीड़ित तंत्र का ऐसा राज शायद ही पहले कभी देखा गया हो, लेकिन अब ये बिल्कुल आम सा हो गया है। जहाँ जिसको चाहा उसे पकड़ कर पीट दिया। न जाने सरकार कब इन मामलों पर ध्यान देगी, जबकि इस तरह के कई गंभीर मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। लेकिन इस तरह कानून अपने हाथ में लेना कहाँ की समझदारी है।